बात हरियाणा की करते हैं, जहां इस वक्त विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। विधानसभा चुनाव में 8 घंटे से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है और शाम 6 बजे तक हर पार्टी के प्रत्याशी का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाए। हरियाणा में अब आपको अपडेट दे दें कि दोपहर 3 बजे तक 44% वोटिंग हो चुकी है, जिसमें सोनीपत में 51%, मेवात में 50% वोटिंग हुई है, अंबाला में 47%, भिवानी में 45% वोटिंग हुई है, करनाल में 47 और कुरुक्षेत्र में 48% मतदान अब तक हो चुका है। वहीं फतेहाबाद में 47%, यमुनानगर में 49% वोटिंग अब तक 3 बजे तक हो चुकी है। हरियाणा के सभी 22 जिलों का वोटिंग परसेंटेज आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप वोटिंग की तस्वीरें देखिए किस तरीके से करनाल से लेकर कैथल तक और साइबर सिटी गुरुग्राम से लेकर झज्जर तक वोटिंग जारी है। आम से लेकर खास हर कोई पोलिंग बूथ पर पहुंचकर लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान दे रहा है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। बीजेपी लगातार 3री बार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस किसी भी तरीके से सत्ता में वापसी करना चाहती है। इसके अलावा जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी लगातार किंग मेकर के रोल में होने का दावा कर रही है। पूरे हरियाणा की वोटिंग रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस जिले में कितने फीसदी वोटिंग दोपहर 3 बजे तक हुई है। हरियाणा में दोपहर 3 बजे तक अगर अलग अलग जिलों की बात करें तो वहां पर कितने कितने फीसदी मतदान हुआ है। सबसे पहले अंबाला की बात करें तो वहां पर 47% मतदान, भिवानी में 45% और इसके साथ साथ अंबाला में 47, गुरुग्राम में 35, करनाल में 47% अब तक वोटिंग हुई है, पंचकूला में 33%, भिवानी में 45, हिसार में 45%, कुरुक्षेत्र में 48%, पानीपत में भी 45% मतदान अब तक हो चुका है। इसके साथ साथ चरखी दादरी में अभी फिलहाल 37% मतदान हुआ है, झज्जर में 44%, महेंद्रगढ़ में 45% और रेवाड़ी में 42% वोट अब तक डाले जा चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली से सटे फरीदाबाद की बात करते हैं तो यहां पर 39%, जींद में 49, मेवात में 50% वोट डाले जा चुके हैं, रोहतक में 43%, फतेहाबाद में 47, साथ ही साथ कैथल की भी बात करें तो यहां पर भी 45% मतदान अब तक हो चुका है। वहीं पलवल में 49% वोटिंग हो चुकी है, सिरसा में 42%, सोनीपत में 51% मतदान हो चुका है, तो यमुनानगर में अब तक 49% वोट डाले जा चुके हैं।